बाइक सेल करने के बाद नेम ट्रांसफर, नाम ट्रांसफर करना है, तो ये वीडियो देखना है। दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली समझाने के लिए दोस्तों मैं जा रहा हूँ आरटीओ। सो फ्रेंड्स, ये है आरटीओ, बाराशाद आरटीओ इट इज। देख सकते हो बहुत सारे कार, बाइक, सब कुछ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वेरी सिंपल प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं था। स्टेप बाई स्टेप आपको प्रोसेस ही बताएंगे। वहाँ पर कितना क्राउड, वो लाइसेंस लेने का लाइन है। बाइक सेल करने के बाद नेम ट्रांसफर, नाम ट्रांसफर करना है, तो ये वीडियो देखना है। दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली समझाने के लिए दोस्तों मैं जा रहा हूँ आरटीओ, क्योंकि मेरा ही बाइक का, पहला वाला बाइक का नेम ट्रांसफर आज होने वाला है। तो आरटीओ में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप नेम ट्रांसफ़र कैसे होता है जानना चाहते हो, ये वीडियो स्किप मत करना। पहले तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नेम ट्रांसफ़र के लिए दो पार्टी चाहिए, फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी मतलब मैं, जिसने बाइक बेचा, और सेकेंड पार्टी मतलब वो जिसने बाइक को ख़रीदा है, राइट। तो एज अ बींग अ फर्स्ट पार्टी, मुझको बोला गया था दो डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए, एक है वोटर कार्ड और दूसरे आधार कार्ड। वोटर कार्ड, आधार कार्ड मैं लेके जा रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं आरटीओ पहुँच भी चुका हूँ। जैसे जस्ट दो मिनट ज़्यादा होगा, ये सामने का बिल्डिंग है आरटीओ। तो वहाँ पर जाकर क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ओके, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ चलिए शेयर करते हैं। सो भाई, ये है सामने आरटीओ का बिल्डिंग, ओके, अंदर जाना है अभी। और ये है आरटीओ का टोटल जो फॉर्म थॉर्म है वो सब कुछ लेने के लिए वेंडर ये लोग बैठे हैं फॉर्म के लिए। हाँ, कुरुक टाइम लगे। हाँ, फोटो लागबे ना, तो ना लागबे फोटो। सो फ्रेंड्स, ये है आरटीओ, बाराशाद आरटीओ इट इज। देख सकते हो बहुत सारे कार, बाइक, सब कुछ यहाँ पर खड़े हुए हैं।
तो वेरी सिंपल प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं था। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस ही बताएंगे। वहाँ पर कितना क्राउड हो, लाइसेंस लेने का लाइन है। वंस अपॉन अ टाइम मैं भी वहाँ पर आया था लाइसेंस लेने के लिए, लाइन पे सारा दिन खड़ा होकर आई टुक माय लाइसेंस। तो चलो इस झंझट से निकलते, उसके बाद आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझाते हैं। सो भैया मेरा काम हो गया है, नाउ टाइम टू गो। तो चलिए आपको समझाते हैं कैसे कैसे होते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, देखो पहले तो आपको आरटीओ के बाहर ही आपको नेम ट्रांसफ़र के लिए आपको मिलेगा कुछ ऐसे वेंडर, वो लोग फॉर्म बेचते हैं। एक एक फॉर्म का दाम पूछा नहीं बट ज़्यादा नहीं होगा, 10 रुपये से 20 रुपये के अंदर ही होगा शायद। उसमें आपको डालना पड़ेगा टोटल डिटेल्स, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मैंने फर्स्ट बायर सेकंड बायर, ये टोटल जो मीन्स दो पार्टी के पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और साथ में आपको देना पड़ेगा आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, ये सब। ओके हो गया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फर्स्ट पार्टी का डॉक्यूमेंट, मैं हूँ फर्स्ट पार्टी, मैं सेल कर रहा हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए था सिर्फ आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड और कुछ भी नहीं। और जो बाइक खरीद रहा है उसके लिए चाहिए यस आधार कार्ड चाहिए। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो सेकंड पार्टी है उसको भी चाहिए आधार कार्ड पैन कार्ड, लाइसेंस भी चाहिए उसका, लाइसेंस ही नीड्स लाइसेंस टू, फिर जो बाइक खरीद रहा है उसको लाइसेंस होना चाहिए शायद, बट इतना मैंडेटरी नहीं है, फ़ोटो नहीं चाहिए ऑलमोस्ट। तो जब आप ऊपर जाओगे ऑफिसर के पास, जो ट्रांसफ़र करने वाला जो ऑफिसर रहता है, वो आपको दो तीन सवाल पूछेगा। आपको पूछेगा आपका नाम, चलो बोल दो, आपका पिताजी का नाम बोल दो, ये गाड़ी क्या आपका है यस, कौन सा गाड़ी है ये वाला बोल दो, बाइक का ओके बाइक का नंबर पूछ सकता है, गाड़ी का नंबर कौन, ये वाला नंबर बोलिए आपका। मुझको नहीं पूछा बट एक पहले बार भी, एक और बार भी मैं आया था, उस बार मुझको पूछा था बाइक का नंबर। ओके आप सेल कर रहे हो यस, ठीक है। ये दो चार पाँच क्वेश्चन आपको जुम्मा जुम्मा पूछेगा, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ भी सकता है, द बेसिक चीज़ है। उसके बाद आपको दो जगह साइन करना पड़ेगा, एक तो होगा फॉर्म के अंदर साइन करना पड़ेगा, ओके वो तो मैंने कर दिया आपने देखा, और दूसरा जो आपको साइन करना पड़ता है दैट इज़ आपको इन द सॉरी इन द रजिस्टर्ड बुक, उन लोगों को रजिस्टर रहता है ये इसका नाम चेंज हुआ है। ये दोनों जगह आपको चार तीन साइन, फॉर्म में एक साइन और रजिस्टर्ड बुक में दो साइन आपको करने के बाद आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। दैट्स क्वाइट ईजी राइट, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा मगजमारी का काम तो नहीं है। तो जस्ट कितना टाइम लगा, 5 से 6 मिनट। अभी आते हैं इसका कितना खर्चा आता है। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर खुद करोगे तो, खुद करोगे तो खर्चा ज़्यादा नहीं है, बट ये जो लोग ब्रोकर्स हैं इन लोगों को पकड़ के करोगे तो ओको भाई बहुत ले लेगा। ओके सेम जुडिसक्शन में अगर हो तो सेम एरिया के सेम आरटीओ के अंदर, तो यहाँ पर बोल रहा था तीन, जो बंदे ने किया खुद नहीं किया उसका पड़ा 3000। अगर एक आरटीओ से दूसरा आरटीओ में करोगे तो आपको लग सकते हैं 5000 और उससे भी ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन द आरटीओ। मैं जो बोल रहा हूँ रेट, ये कोलकाता का रेट बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का रेट मैं बोल रहा हूँ। खुद करोगे तो आपको फॉर्म का ही फिलअप करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स एक चालान काटना पड़ेगा, नहीं बड़े शायद मुझे पता नहीं भाई, वो जानने का सिस्टम भी नहीं था क्योंकि जो मेरा जो सेकंड पायर जो मुझसे मेरे भाई की, उसने ये झमेला में नहीं गया, वो सिंपली डायरेक्टली ब्रोकर को पकड़ के 3000 रुपये देके कर दिया। तो मोटा मोटी एक आइडिया आपको मिल गया शायद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, खर्चे के बारे में थोड़ा सा पूछ लेना। तो मेरा सजेशन ये है आपसे, आपको क्या ब्रोकर से करना है और खुद करना है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सजेशन अगर मांगोगे तो मैं बोलूँगा खुद करो भाई। मेरा जब लाइसेंस के टाइम में, जब मैं लाइसेंस बनाने के लिए आया था भाई, लाइसेंस बनाने के लिए 1800-1700 बोल रहा था मैं टोटल लाइसेंस। मैंने बोला भाई एडुकेटेड पर्सन हूँ, फॉर्म फिलअप खुद कर सकता हूँ, क्यों तुम लोगों को पैसे दूँ। तो 10 रुपये, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 10 रुपये का फॉर्म खरीदा, फॉर्म फिलअप करके डाल दिया, एक चालान काटना था, लाइन में खड़े होकर चालान काट लिया, उस 500 से 600 में मेरा वो भी शायद नहीं लगा, एग्जैक्टली फिगर पता नहीं, बहुत साल पहले का मैं स्टोरी में बोल रहा हूँ। सिस्टम ज़्यादा, गवर्नमेंट सिस्टम ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ऐसे नहीं आपको 300 का चीज़ आपका अचानक 4000 हो जाएगा, 150-100 रुपये हेड पेड हो सकता है। तो ऐसे मैंने बना लिया था। तो ये पूरा आपने देखा रॉ फुटेज आरटीओ का अंदर का सीन, तो कि भाई बहुत ही डर डर के वीडियो शूट कर रहा था ये ऑन था, तो शायद आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल गया, ज़्यादा झोल झाल नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलो भाई, कितना रिस्क
लेकर, लाइफ रिस्क लेकर मैंने वीडियो शूट किया। अगर पकड़ लेता तो भाई डांट पड़ता बहुत। ओके, तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई लोग, आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो पता नहीं, करना चाहिए यार। सब भाई के ऊपर थोड़ा प्यार दिखाओ। सो दैट इज़ ऑल, एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जो लोग ऐसे नाम नेम ट्रांसफ़र के लिए मगजमारी कर रहे हैं उसको बोलो भाई इतना ईजी प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो के ऊपर क्लोज करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग। टाटा बाय बाय।